महाभारत में किरात नाम के जिस देश का जिक्र आता है वो आज बन गया है त्रिपुरा। भारत के इस उत्तर पूर्वी राज्य को प्राकृतिक सौंदर्य तो वरदान की तरह मिला ही है, अथाह और अनंत। यहाँ के राजमहल और मंदिर आदि की भव्यता और सुंदरता भी किसी से पीछे नहीं है। ये है त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में बना वहां का राजमहल। कम ही लोग जानते हैं कि हिंदी फिल्मों के मूर्धन्य संगीतकार श्री एस डी बर्मन यहाँ के राजघराने से थे। अगरतला के दर्शनीय स्थलों में से एक है यहाँ का नेहरू पार्क, जिसमें कई तरह के मनमोहक और दुर्लभ फूल देखे जा सकते हैं। अत्यंत दुर्लभ ऑर्किड्स भी इस पार्क में मौजूद हैं। त्रिपुरा के परंपरागत अतिथि सत्कार की एक निशानी है बेनूबन नाम का ये बौद्ध मंदिर, जिसे यहाँ के राजाओं का संरक्षण प्राप्त था। त्रिपुरा के बारे में दिलचस्प बात यह है कि ये राज्य तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है और इसकी सीमा का एक बहुत ही छोटा हिस्सा भारत से जुड़ा हुआ है, यानी इसकी सीमा का कुल 16% हिस्सा। इस राज्य की 60% भूमि जंगलों और पहाड़ों से घिरी हुई है। जाहिर सी बात है कि वन संपदा यहाँ भरपूर है और जंगली पशुओं और पक्षियों के लिए ये स्थान जैसे स्वर्ग है। यहाँ की सरकार ने भी इन पशुओं और पक्षियों के संरक्षण के लिए बहुत सारे प्रयत्न किए हैं। कहने को तो इस राज्य की आबादी 30 लाख से भी कम है, यानी आगरा और इंदौर जैसे शहरों से भी कम, लेकिन फिर भी यहाँ पे एक नहीं बल्कि चार वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। और आज हम आपको सैर कराएंगे इनमें से सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी सिपाही जाला की। आइए मेरे साथ। सिपाही जाला त्रिपुरा की सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अगरतला से सिर्फ 30 किलोमीटर दूर बनी इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का कुल क्षेत्रफल है लगभग 18.5 किलोमीटर। यहाँ पशुओं और पक्षियों की सैकड़ों प्रजातियों के अलावा 456 किस्म के पेड़ भी गिने गए हैं। कहते हैं कि यहाँ जाला नाम की जगह पर एक समय पर त्रिपुरा की सेना की छावनी थी, इसीलिए इस जगह का नाम सिपाही जाला पड़ गया। लेकिन कहते तो ये भी है कि नाम में क्या रखा है, तो आइए नाम को छोड़ते हैं और बात करते हैं यहाँ की वन संपदा की। सिपाही जाला में आपको विभिन्न प्रकार के पशु तो देखने को मिलते ही हैं, लेकिन साथ ही आपको विभिन्न प्रकार के पक्षियों की किस्में भी देखने को मिलेंगी। तो आइए आपको एक वानगी दिखाते हैं। वैसे तो सिपाही जाला घूमने के लिए हर मौसम उपयुक्त है, लेकिन अगर पक्षी देखने हो तो सर्दियों का समय सबसे अच्छा रहता है, क्योंकि इस मौसम में यहाँ के स्थानीय पक्षियों के अलावा यहाँ बहुत सी माइग्रेटरी बर्ड्स यानी ऐसे पक्षी भी खूब देखने को मिलेंगे जो हमारी आपकी तरह कुछ समय के लिए यहाँ आए होंगे दूर दूर के देशों से। सर्दियों के मौसम में जब सुदूर उत्तरी एशिया और उत्तरी यूरोप में ठंड असहनीय होने लगती है तो वहाँ के बहुत से पक्षी उड़कर भारत की ओर आते हैं, और बसंत के बाद जब मौसम फिर से गर्म होने लगता है तो ये सब अपने अपने देशों को वापस लौट जाते हैं। दिलचस्प बात ये है कि हर साल न सिर्फ इनके आने और जाने का समय लगभग तय होता है बल्कि इनके आने जाने का मार्ग भी। भारत में ये पक्षी ऐसे स्थान ढूंढते हैं
जहां इन्हें भोजन आसानी से उपलब्ध हो और जहां इनके शत्रुओं की संख्या कम से कम हो। इनमें से बहुत से पक्षी ऐसे हैं जिनका आहार मछलियां और पानी में रहने वाले अन्य प्राणी होते हैं। कहने की जरूरत नहीं कि ये पक्षी अपना भोजन पानी से प्राप्त करते हैं। जो पक्षी अपना भोजन सीधे पानी से नहीं प्राप्त करते, उन्हें भी पानी के आसपास अपना भोजन अधिक सरलता से उपलब्ध होता है। इसलिए ये पक्षी साधारणतः अपना ठिकाना जलाशयों के आसपास ही बनाते हैं। भोजन के बारे में यही बात स्थानीय पक्षियों पर भी लागू होती है। इसीलिए पक्षी उन जंगलों में अधिक संख्या में मिलते हैं जिनमें या जिनके आसपास कोई जलाशय हो। पक्षियों के बारे में दिलचस्प बात ये है कि ये अपने क्षेत्र में बाहर के पक्षियों के आने पर भी उनसे शत्रुता का व्यवहार नहीं करते, यानी वे किसी क्षेत्र विशेष पर अपना अधिकार जमाने की कोशिश नहीं करते, जैसा कि बहुत से पशु करते हैं और इंसान भी। पर ये सब देखकर ये मत समझ लीजिएगा कि सिपाही जाला में सिर्फ पक्षी ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि जितने तरह के पक्षी यहाँ पाए जाते हैं उससे भी ज़्यादा संख्या है वन्य पशुओं की। तो आइए एक नज़र इनको भी देख लें। सिपाही जाला में पशुओं की शायद सबसे ज़्यादा कॉमन स्पीशीज हैं प्राइमेट्स, किस्म किस्म के बंदर और लंगूर। यहाँ के बंदरों में सबसे दिलचस्प है ये चश्मा वानर या स्पेक्टिकल्ड लंगूर। इनकी आंखों की बनावट कुछ ऐसी है कि इन्हें देखकर लगता है जैसे इन्होंने चश्मा पहन रखा हो। ये त्रिपुरा का राजकीय पशु है। इसके अलावा यहाँ प्राइमेट्स की 6 प्रजातियां और मिलती हैं। इस गिलहरी के बारे में दिलचस्प बात यह है कि इसकी पीठ पर धारियां नहीं हैं। और गिलहरियों की बात चली है तो आपको बता दें कि एक खास तरह की गिलहरी क्रैब ईटिंग मोंगूज, जो भारत में पिछले 76 साल से देखी नहीं गई थी, इस सेंचुरी में हाल ही में फिर से देखी गई है। इसके अलावा यहाँ कई प्रकार के हिरन देखने को मिलते हैं। वानरों के साथ साथ हिरन वो प्राणी है जो अधिकतर वनों में सबसे बड़ी संख्या में मिलता है, मगर वानर तो पेड़ों पर रहते हैं और हिरन जमीन पर। शायद यही कारण है कि शेर, चीतों, तेंदुओं और अन्य शिकारी पशुओं का ये प्रिय आहार है। इसका एक दूसरा कारण संभवतः ये भी है कि हिरन झुंड में विचरण करते हैं और इनके झुंड पर अगर आक्रमण किया जाए तो एक ना एक हिरण चपेट में आ ही जाता है। क्योंकि ये सभी शिकारी पशु अक्सर हिरणों के झुंड की घात में रहते हैं, हिरणों को हर समय सावधान और चौकन्ना रहना पड़ता है। जरा सी आहट होते ही ये जान बचाने के लिए भागना शुरू कर देते हैं। अपनी प्राण रक्षा के लिए प्रकृति ने इन्हें दिया है तेज गति का वरदान। अधिकतर शिकारी पशु हिरणों से अधिक तेज भाग सकते हैं, मगर बहुत थोड़े समय के लिए। लेकिन हिरण काफी लंबे समय तक तेज गति से भाग सकते हैं और अक्सर यही बात उनकी जीवन रक्षा में सहायक होती है। ये सब तो ठीक है,
लेकिन जिस जंगल में जंगल का राजा ना हो वो भी भला क्या जंगल हुआ। तो सिपाही जाला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इस मामले में भी आपको निराश नहीं करती। यहाँ आपको शेर यानी बंगाल टाइगर्स भी देखने को मिल जाएंगे और बब्बर शेर यानी लायंस भी। शेरों के बारे में अक्सर कहा जाता है कि एक जंगल में दो शेर नहीं रह सकते, लेकिन सच ये है कि एक जंगल में न सिर्फ बहुत सारे शेर रहते हैं बल्कि बब्बर शेर तो झुंड में रहते हैं। इनके बारे में दिलचस्प बात यह है कि इनके एक झुंड में एक बब्बर शेर होता है और 10 से 15 शेरनियां। इसी प्रकार लोग ये भी कहते हैं कि शेर दूसरे का मारा शिकार नहीं खाता, मगर सच ये है कि आम तौर पर कई शेरनियां एकजुट होकर शिकार करती हैं और शेर उसे खाता है। बब्बर शेर या तो तब शिकार के लिए उतरता है जब जिराफ या भैंसे जैसे बड़े जानवर का शिकार करना हो, या तब जब वो अभी तक बैचलर हो और उसके साथ शेरनियां ना हो। कभी कभी बब्बर शेरों को भी झुंड में शिकार करते देखा गया है। सिपाही जाला में कई प्रकार की दुर्लभ वनस्पति भी मिलती है और दुर्लभ पशु भी, और अगर आप इन सब के दर्शन खुले में ना कर पाए तो उसके लिए जू यानी चिड़ियाघर का भी इंतजाम है जो इस सेंचुरी का ही एक हिस्सा है। इसे प्रशासन ने बनवाया है कई तरह के पशुओं पर रिसर्च करने के लिए। यहाँ पे कई पशुओं को ब्रीड भी किया जाता है और जब उनके बच्चे आत्मनिर्भर हो जाते हैं तो उन्हें जंगल में छोड़ दिया जाता है। इन सब के बारे में और जानकारी प्राप्त करने के लिए आइए आपको मिलवाते हैं तांगवान साहब से, जो यहाँ के प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट हैं। सिपाही जिला में काफ़ी जो है हमारे जो है प्लांट स्पीसीज भी अवेलेबल, काफ़ी अच्छी बायोडाइवर्सिटी है वहाँ। प्लांट स्पीसीज हैं, मैमल स्पीसीज हैं और कुछ जो हैं उसमें रेयर स्पीसीज भी हैं, जैसे कैब लंगूर हो गया, स्पेक्टेकल लंगूर हो गया, ये दोनों जो है ये रेयर स्पीसीज हैं। और कुछ स्पीसीज ऐसी हैं जो कि मतलब इंडेंजर्ड भी मानी जाती हैं, बिंटू रंग जैसे हो गया या क्लाउडेड लेपर्ड है। तो इसका जो है हम जो है अपने हमारे यहाँ जो है ये कैप्टिव ब्रीडिंग भी चल रही है इनकी, तो बिंटू रंग का कैप्टिव ब्रीडिंग हम सक्सेसफुल हुए हैं और क्लाउडेड लेपर्ड का भी कैप्टिव ब्रीडिंग करने में हम सक्सेसफुल हुए हैं। और एक्सचेंज एक प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। तो बाकी जो जू है उनसे हम जो हमारे यहाँ जू है तो उनसे जो है हम जो है एक्सचेंज करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो जेनेटिक डाइवर्सिटी इसमें बनी रहे। इस जू में सबसे बड़ी संख्या है हिरणों की। शुरुआत में यहाँ हिरणों के सिर्फ 6 जोड़े थे, मगर अब इनकी संख्या 500 के आसपास पहुंच गई है। यहाँ आपको दुर्लभ क्लाउडेड लेपर्ड भी देखने को मिलेगा, जिसे देखकर ही समझ में आ जाता है कि इसे क्लाउडेड लेपर्ड क्यों कहा जाता है। अजगर, मगरमच्छ और मोर जैसे पशु पक्षी तो यहाँ है ही, पर यहाँ का सबसे दिलचस्प प्राणी है एक पक्षी, द ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल। हॉर्न यानी सींग के आकार जैसी चोंच के कारण इस पक्षी को हॉर्नबिल कहा जाता है। उत्तर पूर्वी भारत में पाई जाने वाली इसकी प्रजाति न सिर्फ दुनिया में सबसे बड़ी होती है
बल्कि इसकी चोंच के ऊपर एक और एक्स्ट्रा चोंच भी होती है। पर इस सबसे ज्यादा दिलचस्प है इसकी जीवन शैली। इस पक्षी का जोड़ा मनुष्यों की तरह एक बार बनने के बाद जिंदगी भर चलता है। जब इसकी मादा अंडे देती है तो वो किसी पेड़ के ऐसे खोखले तने में अपने लिए जगह ढूंढ लेती है, जैसा कि जू के अधिकारियों ने इस जोड़े को प्रदान किया है। नर मिट्टी और पेड़ की छाल जैसी चीजें लेकर उस तने को सब तरफ से बंद कर देता है, सिवाय एक छोटी सी झिर्री के। अगले 38 से 40 दिन नर जंगल में से भोजन ढूंढ ढूंढ कर लाता है और इस झिर्री में से ही मादा और बच्चों को खाना पहुंचाता है। जब बच्चे आत्मनिर्भर हो जाते हैं तब मादा उनके साथ ही अपनी इस मांद से बाहर निकलती है। कुछ माइग्रेटरी बर्ड्स को भी यहाँ रखकर उनकी जीवन शैली का अध्ययन किया जाता है। खुला जंगल हो या जू, वानर अपना स्वभाव यानी उछल कूद नहीं छोड़ते। ये और बात है कि वानरों की ही विभिन्न प्रजातियों के स्वभाव में कई तरह के फर्क देखने को मिलते हैं। इसके अलावा कई ऐसे जानवर भी यहाँ देखने को मिल सकते हैं जो दुनिया में और कहीं भी मिलने मुश्किल हैं, जैसे बिंटू रोंग जो भालू परिवार का एक सदस्य है। और फिर खुद भालू राजा तो है ही। क्लाउडेड लियोपार्ड नेशनल पार्क ये पूरा शहरी इंडिया में एक ही है और ये पहला है यहाँ पे जो बना। हम लोग का यहाँ का जो फ्लैगशिप स्पेसिस है विद इन दिस नेशनल पार्क ये है क्लाउडेड लियोपार्ड। इट इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द कॉमन जो लियोपार्ड है। इज अ वेरी मैग्निफिसेंट इन साइट। इट्स बॉडी फार इज लाइक क्लाउडेड स्ट्रिप्स एंड इन दिस एरिया इट इज वेरी comfortably breeding and comfortably giving birth to the young ones and bringing up very nicely. We have recently developed the Nature Interpretation Center, which is a miniature replication of the nature in in-house condition. यहाँ पे visitor लोग आके ये शहरी पूरा एरिया घूमने का पहले इन लोग का ये NIC के अंदर हमारा जो NIC जो रिप्लिकेशन ऑफ मिनिएचर रिप्लिकेशन ऑफ नेचर के बना हुआ है ये देखने के बाद पता चल जाएगा ये सिपाही जिला का अंदर बायोडाइवर्सिटी का क्या क्या रखा है, वाइल्ड लाइफ के ऊपर क्या क्या हो रहा है, यहाँ पे बाकी जो नेचुरल जो एलिमेंट्स है ये क्या 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 है एंड इंक्लूडिंग द सोशियो इकोनॉमिक एंड कल्चरल स्टेटस ऑफ द होल स्टेट of Tripura has been replicated in this Nature Interpretation Center. तो ये थी उत्तर पूर्वी भारत की वन संपदा की एक झलक। ये वन और वन्य पशु पक्षी हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं इसके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। लेकिन संक्षेप में हम यही कह सकते हैं कि जंगल है तो हमारे जीवन में मंगल है। जंगल वन्य पशु पक्षियों को तो रहने के लिए निवास और भोजन प्रदान करते ही है, साथ ही हम मनुष्यों के सांस लेने के लिए बेहद जरूरी ऑक्सीजन भी हमें देते हैं। जरा कल्पना करके देखिए एक ऐसी दुनिया की जहाँ पे ना तो जंगल हो और ना ही पशु पक्षी। क्या आप रहना चाहेंगे ऐसी दुनिया में? शुक्र है कि ये जंगल है और जब तक रहेंगे हमारे जीवन में यूं ही रंग बिखेरते रहेंगे। तो इसी कामना के साथ कि ये जंगल हमेशा यूं ही बने रहे,
हम आपसे विदा लेते हैं, नमस्कार।